हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर एच के कुणाल, और आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ मैगजिला और मैंडिबल बोन के बारे में। ठीक है, तो ये मैंडिबल बोन हो गया और ये हमारे पास मैगजिला बोन हो गया, जो स्कल, ह्यूमन स्कल। इस पर बहुत ज़्यादा ही वाइवा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। साथ में मैं BDC के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने भी BDC सामने खोल रखा है कि कोई भी आपको डाउट हो, देखो BDC मेरे पास सामने है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको BDC का एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, सो डैट कि आपके लिए क्या हो कि इजी हो जाए BDC पढ़ना। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट, अब कैमरे को फ्लिप कर रहा हूँ अपने मैंडिबल बोन पे। पहले सबसे पहले बात करेंगे मैंडिबल बोन के बारे में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डेट इज मैक्सिलरी बोन के बारे में, कौन सा फोरामेन है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फोरामेन से कौन सा नर्व सब वेसल पास करता है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो यार ये अपना मैंडिबल है, ठीक है। तो देखो यार, मैंडिबल की अगर मैं बात करता हूँ तो एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ होता है, और इस मैंडिबल में जो ये सेंटर में आप देख रहे हो, ये राइट और लेफ्ट को जो ज्वाइन करता है, ये राइट और लेफ्ट को जो ज्वाइन कर रहा है, दिस इज नोन एज द सिम्फाइसिस मेंटाई, या सिम्फाइसिस बोल सकते हो, जहां पर ये आकर के अटैच होते हैं दोनों। ठीक है, मैंडिबल जो बोन होता है वो फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये दोनों हाफ आकर के यहाँ पे अटैच होते हैं। अब ये क्या है, ये है हमारा आउटर सरफेस ऑफ द मैंडिबल, ये क्या है हमारा इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, तो ये राइट आउटर सरफेस, राइट इनर सरफेस, लेफ्ट आउटर सरफेस, लेफ्ट इनर सरफेस। ठीक है यार, एक बात समझो, अब क्या है कि भाई पहले हम आउटर सरफेस पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनर सरफेस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो यार, आउटर सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो जो पीछे की तरफ है इसको हम बोलते हैं दैट इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस। अब कॉन्डाइलर प्रोसेस है तो कॉन्डाइलर प्रोसेस का दो पार्ट होगा, वन इज द कॉन्डाइलर हेड, दिस इज द कॉन्डाइलर हेड एंड दिस इज द कॉन्डाइलर नेक, जहां पे मेरा पेंसिल का ये मार्क है, देखो ये कॉन्डाइलर नेक हो गया। दिस ग्रूव, ये जो नॉच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज द मैंडिबुलर नॉच। ओके, इसके बाद आगे की तरफ दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। तो दो प्रोसेस हमने अभी तक में पढ़ लिया, एक पढ़ा हमने दैट इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस, उसके बाद दूसरा प्रोसेस पढ़ा दैट इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके सॉरी, उसके बाद इनके बीच में जो नॉच है दैट इज द मैंडिबुलर नॉच। ओके चलो, ये जो चौड़ा सा सरफेस दिख रहा है, दिस इज द रैमस ऑफ मैंडिबल, और इस रैमस ऑफ मैंडिबल पे मैसेटर मसल का अटैचमेंट होता है, जो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यार देखो ये क्या है, एंगल बना रहा है, हाँ या ना, देखो ये एंगल बना रहा है ना यार, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल। क्योंकि मैं अभी आउटर सरफेस को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको बताते चलता हूं साथ साथ, दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, ये रैमस प्रोसेस हो गया, एक लाइन रन कर रहा है, आप देखो ये प्रोमिनेंट एक लाइन रन कर रहा है, देखो जिसमें मैं पेंसिल चला रहा हूं, दिस इज द प्रोमिनेंट लाइन, और ये जो प्रोमिनेंट लाइन है बेटा, इसको अपन बोलेंगे कि भाई ये क्या है हमारा ऑब्लिक लाइन है, ये हमारा ऑब्लिक लाइन है, ये क्या है, दिस इज द बेस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और यही बेस ऑफ मैंडिबल जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ये पूरा क्या है हमारा एक बॉडी ऑफ मैंडिबल है, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल पे एक फोरामेन होता है, देखो ये फोरामेन है, क्योंकि हमारे पास अभी वायर शायद नहीं है तो मैं आपको एकदम वायर डाल करके उसमें नहीं चेक करा पा रहा हूं, तो दिस इज द बॉडी ऑफ मैंडिबल, और इस बॉडी ऑफ मैंडिबल से क्या होगा बेटा कि देखो यहां पे एक फोरामेन प्रेजेंट है, और इस फोरामेन का नाम होता है मेंटल फोरामेन। इस मेंटल फोरामेन से मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स पास करता है, जो कि एल्विलर नर्व का एक ब्रांच है। ओके, इतना हो गया, तो अब आगे आ जाओ कि भाई यहां पर ये क्या है, एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, और आगे पे ये एक प्रोमिनेंस होता है जिसको कि हम बोलते हैं दैट इज द मेंटल प्रोमिनेंस, जिसको चिन्ह बोलते हो ना, दैट इज द मेंटल प्रोमिनेंस। अच्छा, तो आउटर सरफेस पे टोटल हमारे पास कितने बात होगी, कितने कितने प्रोसेस हो गया, तो देखो यार ये क्या हो गया हमारा, देखो ध्यान से सुनना एक बार फिर से, ये हो गया हमारा दैट इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस, यही याद करके जाओ, कोई जरूरत नहीं है बाहर पढ़ने की जाकर के, दिस इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस,
और इसके बीच में एक नोच सा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द मैंडिबुलर नोच. दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज द रैमस ऑफ मैंडिबल, जहां पर मैसेटर मसल आकर के अटैच होगा. ये क्या है, एक लाइन आप जब फील करोगे तो बाहर से देखो एक फील आएगा कि प्रोमिनेंस है, और ये जो लाइन रन कर रहा है थ्रू द बॉडी ऑफ मैंडिबल ऑन द आउटर सर्फेस, हम इसको बोलते हैं दैट इज द ऑब्लिक लाइन. ठीक है, अच्छा ऑब्लिक लाइन बोल दिया. ये क्या है, हमारा एक मेंटल फोरामेन है जो कि बॉडी ऑफ मैंडिबल में होता है, और आपका बीडीसी लिखता है, बीडी चौरसिया लिखता है कि ये क्या है, दो प्रीमोलर के बीच के स्पेस में है. जब दो प्रीमोलर के बीच से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके सेंटर में क्या आएगा, हमारा मेंटल फोरामेन. और ये मेंटल फोरामेन क्या करेगा, मेंटल नर्व्स और वेसल जो कि एल्वियोलर नर्व का एक ब्रांच है उससे पास कराएगा. ठीक है, हाँ या ना. ठीक है, अब ये क्या होता है कि भाई ये जो ऑब्लिक लाइन है ये आगे की तरफ रन करता है डाउनवर्ड, देखो नीचे की तरफ रन कर रहा है, एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रन करके कहां जाता है, टू द मेंटल ट्यूबरकल, यहां पे मेंटल ट्यूबरकल के पास आ जाता है. ओके, अब देखो यार यहां पे एक प्रोमिनेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज द चिन. अपने फेस पे भी हाथ रख के देखो, एक प्रोमिनेंस है मैंडिबल में, तो ये चिन जो होता है दैट इज द मेंटल प्रोट्रूबरेंस. ओके, या मेंटल प्रोमिनेंस. ठीक है, अब ये जो ऑब्लिक लाइन है उसके जो ऊपर जो प्रोसेस है, जहां पे सॉकेट ऑफ बोन्स बने हैं, सॉकेट बने हैं टीथ के लिए, सॉकेट फॉर द टीथ, तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द बोन. ओके, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द बोन. और इसमें क्या होता है, इन सॉकेट्स में इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, प्रीमोलर, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, एंड द लास्ट दैट इज द विजडम टीथ, दैट इज द थर्ड मोलर, ये तीनों आ जाएगा. तो बेटा ये याद हो चुका होगा, आई थिंक सो, हाँ या ना. ठीक है, तो इस पार्ट में चूंकि 5-5 मिनट का अपन सीरीज रख रहे हैं, तो इस पार्ट में आपको याद हो गया दैट इज द आउटर सर्फेस ऑफ मैंडिबल. ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और तुरंत आप इसके जस्ट सेकेंड पार्ट को देखो, दैट इज द इनर सर्फेस ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, आउटर बॉडी पढ़ लिया हमने, क्योंकि बीडीसी ने टोटल 4 डायग्राम दिया है इसके बारे में. ठीक है, पहले पार्ट में उसने बताया दैट इज द आउटर, सेकेंड इज द इनर, थर्ड वन इज द मसल अटैचमेंट, फोर्थ वन इज द मसल अटैचमेंट ऑन द इनर सरफेस. ठीक है, और उसके बाद बीडीसी ने थोड़ा बहुत एडल्ट चाइल्ड वाला बताया, तो वो मैं बताऊंगा आगे. ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया दैट इज द आउटर सरफेस. ठीक है, थैंक यू.